नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 20 नवंबर 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लो, पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हेल्थ केयर वर्कर के बारे में। तो देखो क्यों न्यूज़ में, न्यूज़ में इसलिए है कि अभी एक डिबेट चल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो हेल्थ केयर है ना, हेल्थ केयर सेक्टर के जो लोग हैं इनकी सेफ्टी के लिए एक अलग से लॉ बनाना चाहिए ताकि इनकी जो भी सेफ्टी है उनको इंश्योर किया जाए। सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि हेल्थ केयर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एक अलग से कानून बनाने की आवश्यकता है। अभी के जो कानून है वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए अलग से एक कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग हैं इसके खिलाफ है, वो कह रहे हैं कि अलग से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे जो ऑलरेडी कानून है वही काफ़ी है, जो हेल्थ केयर के लोग हैं उनकी सुरक्षा कर पाने में सक्षम है। अब यहाँ पे इस दोनों पॉइंट को डिस्कस करेंगे, एक पक्ष में ये विपक्ष के आर्ग्यूमेंट है, दोनों को डिस्कस करके हम अपना फाइनल आर्ग्यूमेंट तैयार करेंगे, फाइनल कंक्लूजन तैयार करेंगे और वो वे फॉरवर्ड बताएंगे कि क्या करना चाहिए। ये एग्जाम के प्रस्पेक्टिव में मेंस में काफ़ी इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम आगे देख लेते हैं। सबसे पहले चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए है कि नेशनल टास्क फोर्स, ठीक है, नेशनल टास्क फोर्स, अब इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी है सुप्रीम कोर्ट में, एक रिपोर्ट दी, इसमें इन्होंने बताया है कि जो हेल्थ केयर सेक्टर के लोग हैं, स्वास्थ्य सेवा के जो पेशेवर हैं, उनकी सुरक्षा के लिए अलग से एक कानून की आवश्यकता है, ऐसी इस रिपोर्ट में बात की गई है। बात करें नेशनल टास्क फोर्स की, तो ये आपको पता होगा कुछ दिन पहले आरजी कॉलेज है, आरजी मेडिकल कॉलेज है, कहाँ पर है, कोलकाता में, वहाँ पर एक नर्स के साथ में रेप हुआ था और उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में ये जो मामला काफ़ी गंभीर हो गया था और उसके बाद में इसका गठन किया गया था नेशनल टास्क फोर्स का। नेशनल टास्क फोर्स को काम दिया गया था कि ये है वो रिपोर्ट बनाएगी कि स्वास्थ्य सेक्टर के जो लोग हैं उनकी समस्या क्या है और किस प्रकार से उसको सुधारा जा सकता है, इसके बारे में ये रिपोर्ट बनाएगी। तो अभी इन्होंने रिपोर्ट दी है और बात की है कि एक अलग कानून की आवश्यकता है, और भी कहीं इन्होंने सुझाव दिए हैं, तो इस प्रकार से ये बात आई है। अभी जो हमारे भारतीय न्याय संहिता है इनके अकॉर्डिंग, किस किन के अकॉर्डिंग, नेशनल टास्क फोर्स, इनके अकॉर्डिंग भारतीय न्याय संहिता में पर्याप्त प्रावधान नहीं है कि वो जो मेडिकल कॉलेज के लोग हैं, जो स्वास्थ्य सेवा के लोग हैं, उनकी सुरक्षा कर पाए। ये किसका कहना है, ये नेशनल टास्क फोर्स का कहना है। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या बात हो रही है। तो सबसे पहले इसके खिलाफ जो आर्ग्यूमेंट है ना, विपक्ष में आर्ग्यूमेंट है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। विपक्ष वालों का कहना है, पहला पॉइंट है विपक्ष वालों का, अलग से कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है अलग से कानून की आवश्यकता, इनका कहना है कि भारतीय न्याय संहिता BNS में पर्याप्त कानून दिए गए हैं, पर्याप्त प्रावधान दिए गए हैं कि जिनमें इनकी जो 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 भी स्वास्थ्य सेवा के कर्मचारी हैं, जो भी इनके लोग हैं, उनकी सुरक्षा की जा सकती है, तो अलग से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ एक और तर्क दिया जाता है कि अभी कुछ राज्य हैं, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि 24 राज्य, 24 राज्य हैं जहाँ पर हेल्थ केयर के लिए अलग से कानून बनाया गया है, स्वास्थ्य पेशेवरों के हिंसा को रोकने के लिए, इनके खिलाफ जो हिंसा होती है उसको रोकने के लिए अलग से कानून बनाए गए हैं, और कुछ राज्य हैं उनमें अभी ये प्रोसेस में कभी भी बनाए जा सकते हैं, ऐसे ही इनके विपक्ष में जो तर्क देते हैं वो बात करते हैं। इसके बाद में ये भी तर्क दिया जाता है कि BNS भारतीय न्याय संहिता, इसमें जो प्रावधान है उसमें बलात्कार है, हत्या है, इन सभी को शामिल किया गया, जो भी जघन्य है, क्रूर अपराध है, उन सभी को शामिल कर लिया गया है, तो अलग से कानून बनाने की क्या आवश्यकता है। साथ ही साथ कुछ राज्य हैं वहाँ छोटे छोटे जो भी अपराध होते हैं उन सब के लिए अलग से दंड के प्रावधान निर्धारित कर दिए गए हैं। तो इन सब पॉइंटों को आधार पर इनका कहना है कि कहाँ आवश्यकता है, अलग से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब इनके पक्ष में जो आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। पक्ष में आर्ग्यूमेंट मुख्य है वो दो लोग दे रहे हैं, मतलब दो जो है संघ वो दे रहे हैं। एक तो है भारतीय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, भारतीय चिकित्सा संघ, और एक दूसरा है वो सपोर्ट में दे रहा है नेशनल टास्क फोर्स। ये दोनों मिलके इसके पक्ष में बात कर रहे हैं कि अलग कानून की आवश्यकता है। विपक्ष में हमने देख लिया है अलग अलग संस्थाएं वो बात कर रही है, और पक्ष में कौन कर रहा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नेशनल टास्क फोर्स है वो पक्ष में बात कर रहे हैं। वो क्या तर्क दे रहे हैं, वो तर्क दे रहे हैं कि भारत जो डॉक्टर है वो चिकित्सा कर्मचारी है उनके लिए अलग कानूनी की वकालत के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है हॉस्पिटलों को एक सुरक्षित क्षेत्र के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाना चाहिए। ये दो तर्क दिए जा रहे हैं। बाद में हम इसकी बात करें नेशनल टास्क फोर्स की, वो अपने क्या सिफारिश देते हैं, तो वो दो प्रकार से सिफारिश देते हैं। पहले वो शॉर्ट टर्म सुझाव देते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए सुझाव देते हैं, फिर वो लॉन्ग टाइम के लिए सुझाव देते हैं। शॉर्ट टाइम में वो क्या क्या करते हैं, शॉर्ट टाइम मतलब अल्पकालिक, पहले वो कुछ अल्पकालिक सुझावों की बात करते हैं, फिर वो
दीर्घकालीन और मध्यकालीन जो सुझाव उनकी बात करते हैं। तो पहले अल्पकालिक के बारे में बात करें तो इनका कहना है अस्पतालों में प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मचारी होने चाहिए, यानी कि जो गार्ड तैनात किए जाने जाते हैं वो ट्रेन होने चाहिए, ठीक है, ट्रेन गार्ड तैनात किए जाने चाहिए जो किसी भी परिस्थितियों को निपट सके। तो पहला पॉइंट इनकी ओर से ये दिया जाता है। दूसरा इनकी ओर से पॉइंट दिया जाता है जो लोकल पुलिस होती है उनके साथ में समन्वय होना चाहिए, लोकल पुलिस के साथ में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ऐसी बारे में बात की जाती है दूसरे पॉइंट में। तीसरे पॉइंट में ये बात करते हैं हिंसा के तुरंत ही, अगर तुरंत हिंसा होती है तो उसके 6 घंटे के भीतर भीतर FIR होनी चाहिए, यानी कि शून्य FIR दर्ज कर दी जानी चाहिए। ये सो अल्पकालिक उपाय में बताए जा रहे हैं। तो आपको शॉर्ट टाइम समझ में आ गया, एक तो ट्रेन जो होता है प्रशिक्षित गार्ड होना चाहिए, साथ ही साथ में स्थानीय जो पुलिस है उसके साथ समन्वय होना चाहिए, और FIR है वो तुरंत लॉज की जानी चाहिए। उसके बाद में बात करी जाती है मध्यम के लिए, इसमें CCTV के बारे में बात की जाती है, साथ ही साथ में दीवारें वो ऊंची होनी चाहिए ताकि कोई अटैक ना कर पाए, साथ ही साथ में बायोमेट्रिक की बात बारे में बात करी जाती है। और लॉन्ग टर्म में ये क्या सुझाव देते हैं, शौचालय अच्छे होने चाहिए, ठीक है, ताकि उनके लिए व्यवस्था हो, मोबाइल नेटवर्क की व्यवस्था होनी चाहिए, इनके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी बात की जाती है। साथ ही साथ इमरजेंसी वार्ड है वहाँ पर एक अलग से डॉक्टर बैठाए जाने चाहिए, ये डॉक्टर है वो वरिष्ठ डॉक्टर को उपस्थित होना चाहिए, ये सारी बात की जाती है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म, ये कौन कर रहा है, नेशनल टास्क फोर्स के द्वारा सुझाव दिए जा रहे हैं। फिर हम बात कर रहे हैं कि इन सब के कारण क्या होता है, आगे का रास्ता क्या है। कारण वही है, कई बार क्या होता है जो हेल्थ केयर जो भी कर्मचारी होते हैं वो और जो रोगी होते हैं पेशेंट्स होते हैं उनके परिवार के बीच में आपस में झड़प हो जाती है, और इसके कारण क्या, आपस में विश्वास की कमी है, इसलिए यह सब होती है। वे फॉरवर्ड की बात करेंगे, वे फॉरवर्ड में एक पक्ष के आर्ग्यूमेंट प्लस विपक्ष के आर्ग्यूमेंट, इन दोनों का जो भी कंक्लूजन वो निकालें, हम दोनों को मिलाकर साथ में लेके समन्वय बनाकर हम एक कंक्लूजन तैयार करेंगे, वे फॉरवर्ड तैयार करेंगे। तो सबसे पहले अलग से कानून तो बाद ही में बात है, अभी जो कानून है ना उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, अभी जो कानून है वो पर्याप्त कानून है, सबसे पहले उनको स्ट्रेंथन करो, साथ ही साथ में भारतीय न्याय संहिता है उनके जो भी प्रावधान है उनको अच्छे से लागू करो। कानून तो बहुत है लेकिन उनको लागू ही नहीं किया जाता, मतलब क्या है, ऐसे तो कई कानून, रेप के लिए कानून है, रेप रुक गए क्या, रेप होने पर फांसी की सजा देती है दी जाती है, बट क्या वो रुक गए, ऐसे नहीं, कानून को सही से लागू नहीं किया जा रहा है। तो रूल एंड लॉ का शासन होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर है वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए, साथ ही साथ में जो भी प्रावधान दिए गए उनको सख्ताई से मजबूती से लागू करने के बारे में बात की जाती है, तो ये चीज़ें फोकस करनी चाहिए। साथ ही साथ में जो चिकित्सक पेशेवर है ना, मेडिकल स्टाफ है, उनको ट्रेन किया जाना चाहिए, अगर वो ट्रेन होगा तो वो अच्छे से बात कर पाएगा। साथ ही साथ में ये जो मेडिकल स्टाफ है इनके बीच में और जो पेशेंट आता है इनके बीच में अच्छे से कम्युनिकेशन हो, इसके लिए भी अलग से कोई ऐसी स्टाफ की व्यवस्था होनी चाहिए, तो अलग से इनके बीच में कम्युनिकेशन के बारे में बात कर सके। साथ ही साथ में जो हॉस्पिटल का जो बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अच्छा होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर होने से जो ये जो लोग होते हैं जिनमें स्टाफ काम करता है उनको ये सारी असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही साथ में सेंट्रलाइज एक दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, मतलब केंद्र से एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए जो कि पूरे देश में पालन होना चाहिए उस गाइडलाइन का, इस प्रकार भी कोशिश की जा सकती है। साथ ही साथ में जो भी इससे जुड़े हुए हितधारक है, ठीक है, स्टेक होल्डर है, उनको एक स्टेक पे लाना है, उनको साथ लाना है, और इस प्रकार की जो भी समस्या है उनको संतुलित करना है, मतलब जैसे कि IMA की मेडिकल एसोसिएशन की मांग है, NTF की मांग है, उन सब की मांगों को संतुलित करने की आवश्यकता है, दोनों की मांगों के बीच में संतुलन बनाना है, और क्या आ सकता है नए कानून की है या नहीं है उनके बीच में संतुलन लगा के, संतुलन करके आगे का प्रयास किया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल था हमारा मेडिकल स्टाफ से संबंधित, उनमें क्या क्या समस्या आ रही है इससे संबंधित था। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, ये जो आर्टिकल है वही यूपी में चल रहा है ना, विद्रोह वगैरह विरोध वगैरह चल रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे नहीं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, ये जो आर्टिकल है ये बात करता है कि भारत में है ना इंस्टीट्यूट इतने अच्छे नहीं हैं, मतलब स्कूली इंस्टीट्यूट को कहो, पब्लिक इंस्टीट्यूट की कहो, तो उनके अच्छे नहीं है। जो वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो भारत का ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है जो वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट कर पाए, इसके बारे में ये पूरा आर्टिकल दिया गया है। तो थोड़े कुछ पॉइंट है उसको हम डिस्कस करेंगे ताकि आप कहीं इसका यूज़ कर सको। जैसे इसमें बात करी जाती है, ठीक है, USA के बारे में, भारत यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पर यहाँ पर विश्व स्तरीय सार्वजनिक नीति की जो संस्था होती है ना, पब्लिक पॉलिसी जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनका अभाव है। अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, तो वहाँ पर हार्वर्ड है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, ऐसे कई संस्था मौजूद है, बट भारत में ऐसा एक भी संस्था नहीं है। अब ये सब क्यों देखने को मिलते हैं, इसका कारण क्या है, इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है।
सबसे पहले कारणों की चर्चा करें ना, इसके कुछ कारण हैं। क्या कारण है? पहले तो भारत में राजनीतिक विल की कमी है, पॉलिटिकल विल की कमी है। क्यों विल की कमी है? यहाँ पर राजनीति है वो संस्थागण से अलग नीति अपनाती है, सार्वजनिक रूप से ये बाधा डालने का काम करते हैं, तो यहाँ पर पॉलिटिक्स विल की कमी है, इसलिए सब देखने को मिलता है। साथ ही साथ में भारत में सेंट्रलाइज फोकस ज़्यादा है, केंद्रीकरण ज़्यादा है, जो शक्ति है वो केंद्रीकृत है। हमारे जो लेजिस्लेचर है उसमें निर्णय लेने की इतनी क्षमता नहीं है, वो काफ़ी कमजोर है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो भी बाधा डालने का काम करती है। ठीक है, अब हम कुछ तुलना करेंगे वेस्टर्न में ऐसा क्या है और हमारे देश में ऐसा क्या है। तो यहाँ पे सत्ता का केंद्रीकरण, हम बात कर लेते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम है, भारत में सेंट्रलाइज सिस्टम है, सारे जो विचार विमर्श है वो एक केंद्र से ही होते हैं, बाकी सबको शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए जो भी प्रक्रिया होती है वो अच्छे से लागू नहीं हो पाती है, और जो भी राजनीतिक होते हैं, जो उच्च लेवल के अधिकारी होते हैं, वो इन ये जो प्रोसेस होते हैं उनमें इंटरेस्टेड होते नहीं है। जबकि बात करें यूएसए हैं, यूरोपियन कंट्रीज है, वहाँ पे जो कांग्रेस होती है वो अलग से इस प्रकार की डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करती है, और ये एक प्रकार का इकोसिस्टम बनाती है जिससे इस प्रकार की जो नीति संस्थाएं होती है वो अच्छे से फूल फल सकती है। यहाँ पर जो लेटरल एंट्री है वो नहीं होती है, बाहर से ऐसे जो इकोनॉमिस्ट है या फिर जो वैज्ञानिक है, जो भी मतलब अच्छे से विशेषज्ञ है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड है, उनको एंट्री नहीं दी जाती है, जिससे इस प्रकार की पॉलिसी बन के सामने नहीं आती है। एक और भी प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे शासन परिवर्तित होता है, इस साल इस बीजेपी की सत्ता है, नेक्स्ट कांग्रेस की आई, तो अभी जो इसमें इन्होंने जो भी काम किए वो ये चेंज कर देगी, इससे इस प्रकार की संस्थाएं डेवलप हो ही नहीं पाती है, क्योंकि जो भी पार्टी आएगी वो अपने ही लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेगी, इससे मिलता जुलता एक पॉइंट आगे भी आएगा। जैसे हमने बात करी कि राजनीति में इस पर विल पावर नहीं है और इससे जुड़ा है राजनीतिक नीति और बीच में लगाव है, मतलब जो भी राजनीति में आएगा वो अपने ही लोगों को आगे बढ़ाएगा, नीति और दोनों में अलगाव दिखने को मिलेगा, सेपरेशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में यहाँ अवसरवाद है, चाटुकारिता है, इससे क्या होता है खुद के लोग आगे बढ़ाते हैं और वो जाके इंस्टीट्यूट पे कब्जा कर लेते हैं, और जो भी अच्छे एजुकेशन सिस्टम है, अच्छे इंस्टीट्यूट है, पब्लिक इंस्टीट्यूट है, उनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता, ऐसा एक माहौल क्रिएट नहीं किया जाता है। यहाँ पे सामाजिक और क्षेत्रीय भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे ऐसी कोई ग्रामीण स्तर पर आंदोलन ही प्रभावित नहीं कर पाता है, ग्रामीण स्तर पर ऐसा कुछ होता ही नहीं है, लोकल लेवल पर आप जाके देखो ना, ग्राउंड लेवल पर तो वहाँ ऐसा काम होता ही नहीं है कि जहाँ इंस्टीट्यूशन के बारे में बात हो, चाहे एजुकेशन के बारे में बात हो, चाहे एक अलग प्रकार का इकोसिस्टम बनाने के बारे में बात हो, ये सब बातें यहाँ पर होती ही नहीं है, इसलिए इन सब का अभाव देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें वो फोकस करती है। तो क्या भारत में वेस्ट की तरह या यूएसए की तरह इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए? तो भारत में है ना, वेस्ट और यूएसए की तरह, अमेरिका की, किसी कहीं की तरह भी हमें इंस्टीट्यूट बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमें अगर इंस्टीट्यूट बनाने हैं तो हमारे खुद के भारत के अकॉर्डिंग बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट हो उसमें स्थानिक दृष्टिकोण, यहाँ का लोकल है वो दृष्टिकोण होना चाहिए। लोकल दृष्टिकोण मतलब यहाँ का जो हमारा खुद का नॉलेज है, हमारा जो पारंपरिक नॉलेज है, हमारे जो मॉडल है वो हमारे लोगों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। स्कूल में अगर छात्रों को पढ़ाया जाना चाहिए तो हमारे खुद के टीचर द्वारा पढ़ाएंगे, वो ट्रेन उतने टीचर हों कि हमारे खुद के नॉलेज को लेके वो पढ़ाए। साथ ही साथ में जो पाठ्यक्रम हो उसमें हमारी राजनीतिक जटिलता क्या उसके बारे में हो, सामाजिक परिदृश्य क्या किस प्रकार का उसके बारे में भी ज्ञान दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ में व्यवहारिक ज्ञान भी देने की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें हो। भारत में है इमोशनल ज़्यादा देखने को मिलती, सहानुभूति केंद्रित नेतृत्व ज़्यादा होना चाहिए। तो जो भी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कर रहे हो, जो भी इस प्रकार की संस्था भी बना जा रही हो, वहाँ पे सहानुभूति है, इमोशन से उनको केंद्रित में रखने की आवश्यकता है। और भी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे पक्षपात नहीं होना चाहिए, स्थिरता होना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी तब जाके सुधार किया जा सकता है। आगे की वे फॉरवर्ड के बारे में बात करें तो संरचनात्मक सुधार होना चाहिए, हमारे पूरे स्ट्रक्चर में सुधार करने की आवश्यकता है, संस्थागत भागीदारी, जो भी संस्था है उनको आपस में भागीदारी करेगी, कोऑर्डिनेशन करेगी, तभी वो जाके साथ मिलकर काम कर सकती। पाठ्यक्रम का डिजाइन होना चाहिए जिसमें क्षेत्रीय गतिशीलता है, जाति आधारित जो भाव उनको हटाना है, जमीन स्तर से जुड़ाव होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी डिजाइन करने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल था भारत में इंस्टीट्यूट क्यों नहीं है। इसमें सिंपल सी बात करी गई है, भारत में इस प्रकार के इंस्टीट्यूट, इस प्रकार के मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट और जो भी बड़े बड़े लेवल के इंस्टीट्यूट है जहाँ पर सिखाया जाता है, नॉलेज दी जाती, वो भारत में न होने के कारण क्या है? तो कारण हमने देख लिया कि यहाँ पे पॉलिटिकल विल ही नहीं है। अगर राजनीति पार्टी बनेगी तो वो अपने लोगों को आगे बढ़ाएगी, कोई ऐसा माहौल ही तैयार नहीं किया, ना इकोसिस्टम होता है, यहाँ पे केंद्र की ओर ज़्यादा झुकाव देखने को मिलता है, तो ये चीज़ है वो उनको आगे नहीं बढ़ाती। फिर हमने देखा कि क्या क्या सुधार किया जा सकता है, संरचना में सुधार करने की आवश्यकता है, संस्था आपस में मिलकर काम कर सकती है, नया पाठ्यक्रम बनाया जा सकता है,
फिर हमने देखा कि जो संस्था है वो आगे आएगी तो हमारे जो लोकल लेवल का जो भी है ना उसको साथ में लेके चलना है। एक इमोशन कनेक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि भारतीय लोग इमोशनल होते हैं, वो भी कनेक्शन साथ में होना चाहिए। तो ये पूरी बात की गई है इस आर्टिकल में। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। ये आर्टिकल बात करता है सूखना लेके, उसके बारे में क्या क्यों सुर्खियों में, सुर्खियों में इसलिए सूखना लेके ना उसके चारों ओर की 2 किलोमीटर का जो एरिया है ना उसे इको सेंसिटिव जोन घोषित कर लिया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में आया है। अब न्यूज़ में आया तो हम देख लेते हैं। ये रही सुखना लेक और इसके चारों ओर का जो एरिया है उसे जोन कर दिया है, इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है, इसलिए न्यूज़ में। बात करें सुखना लेक की, कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। ये जो है रेनफेड लेक है, यानी कि इसमें पानी का जो भराव होता है वो बारिश के पानी से होता है, इसलिए ये एक रेनफेड लेक कही जाती है। लोकेटेड हमने देख लिया चंडीगढ़ में। एरिया के बारे में बात करें तो पंजाब और हरियाणा के बीच में स्थित है। ये एक मैन मेड यानी कि मानव निर्मित झील है, मैन मेड लेक है। किसके द्वारा बिल्ड की गई थी, 1958 1958 में इनके द्वारा, ले कर्बिसर के द्वारा डेवलप की गई थी। और बात करें तो ये जो शिवालिक हिल है ना उसकी फुटी हिल में आती है, शिवालिक ये हिमालयन की सबसे लास्ट वाली जो हिल है, शिवालिक हिल है, उसके फुट हिल में आती है। और यहाँ से जो पानी आता है उसको कलेक्ट करने का काम करते हैं। इसे नेशनल वेटलैंड घोषित किया गया था 1998 में, 1998 इसे राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित कर दिया गया था। ये सुखना लेक के बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे 2 किलोमीटर के एरिया को घोषित कर दिया है, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया है, इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है, ये बारे में बात करी गई है। और बात करें तो यहाँ पे सर्दियों के दौरान कई साइबेरियन बत्तख है, सारस है, क्रेन है, यानी माइग्रेटरी जो स्पीसीज होती है ना बर्ड्स वगैरह, वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसे आर्द्र भूमि देखा था हमने, इसे आर्द्र भूमि भी घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे कई फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं, जहाँ यहाँ का मैंगो फेस्टिवल है वो काफ़ी फेमस फेस्टिवल है। यहाँ पे मैंगो की जो अलग अलग किस्में होती है वो प्रदर्शित की जाती है। साथ ही साथ में 2020 में जो पंजाब उच्च न्यायालय है ना, हाईकोर्ट, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, उसने सुखना झील को एक जीवित इकाई मतलब लिविंग एंटिटी घोषित कर दिया गया था। इसके बारे में ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर है, शिवालिक हिल में हमने देख लिया है, शिवालिक जो आने वाली झील है उसके क्षेत्र में पड़ती है। 1998 में से नेशनल वो घोषित कर दिया था, ये घोषित आपने देखा था हमने कि इसकी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया, साथ ही साथ में इसे आर्द्र भूमि भी घोषित कर दिया, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि भी इसे घोषित कर दिया गया। कब, 1998 में। और ये किस अधिनियम के तहत घोषित किया गया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसके तहत इसे घोषित कर दिया गया था। इसका एरिया कितना, ये हमने देख लिया। जमीन किस प्रकार की, रेतीली जमीन है, ये कुछ पॉइंट इसके बारे में दे रखे, तो हमने वो सारी चीज़ें देख ली। इको सेंसिटिव जोन के बारे में बात करें तो हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उन्होंने 2002 से 2016 के बीच में एक स्कीम लेके आई थी जिसका नाम था राष्ट्रीय वन्य कार्य योजना। इसका स्कीम के तहत कोई भी जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके चारों ओर के 10 किलोमीटर के एरिया को ये इको सेंसिटिव जोन घोषित कर सकता है। और ये एरिया कैसा होगा, जो कि फ्रेजाइल होगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो, इसको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता हो, संवेदनशील गलियारा हो, उनको ये घोषित कर सकता है। तो क्या 10 किलोमीटर फिक्स है, नहीं, 10 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया भी कर सकते हैं, कम का एरिया भी कर सकते हैं। यानी कि जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है वो एक स्कीम लेके आई थी, उसके तहत कोई भी नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, इसके चारों ओर के 10 किलोमीटर के एरिए को ये है वो इको सेंसिटिव जोन घोषित कर सकते हैं। अब इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के बाद में क्या होगा, उसका प्रोटेक्शन है वो बढ़ जाएगा। तो क्या ये 10 किलोमीटर तक का एरिया ही कर सकते हैं, नहीं, अगर इसको आवश्यकता है तो वो ज़्यादा एरिया भी घोषित कर सकते हैं, कम एरिया भी घोषित कर सकते हैं, जैसे कि अभी 2 किलोमीटर का एरिया ही घोषित किया है। वो डिपेंड करता है कि कितनी आवश्यकता है, उस आधार पर। इको सेंसिटिव जोन बनाने का उद्देश्य क्या है, जो भी एरिया है उसके चारों ओर ऐसा एरिया डेवलप करना, यानी कि जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है, ये प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह है, उसके चारों ओर का एरिया है वहाँ पर शोक अवशोषक के रूप में, यानी शोक ऑब्जर्वर के रूप में एरिया घोषित करने के लिए बनाया जाता है। साथ ही साथ में यहाँ पे अगर इस प्रकार का सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाएगा तो यहाँ पे सुरक्षा को मैनेज किया जा सकता है, इसलिए भी ये घोषित करते हैं। किसी को इसके लिए क्राइटेरिया क्या, मानदंड क्या है, तो यहाँ पे कुछ प्रजाति, जैसे कि यहाँ पे एंडेमिक प्रजाति होनी चाहिए, साथ में रेयर स्पीसीज भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है, उसे घोषित किया जा सकता है। साथ में पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बात करें तो यहाँ पे पवित्र उपवन होने चाहिए, सेक्रेड जो भी उपवन है वो होने चाहिए, सीमांत वन होने चाहिए, बुआ करती की बात में रिवर होना चाहिए, द्वीप होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती है, उसे इको जोन घोषित किया जा सकता है, सेंसिटिव इको जोन घोषित किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये देख लो कि इसमें क्या क्या रेगुलेशन होते हैं। पहले प्रोहिबिशन, ये सारी चीज़ें बैन है, कॉमर्शियल माइनिंग बैन है, यहाँ पे मिल नहीं खोल सकते हो, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट नहीं कर सकते, कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते हो,
मेजर जो हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट होते हैं वो तैयार नहीं कर सकते हो। रेगुलेटेड क्या क्या है, रेगुलेटेड का मतलब है अगर आप परमिशन ले लो तो वो आप खोला जा सकता है। तो यहाँ पर पेड़ लगा सकते हो, अगर आपको कोई होटल वगैरह लगानी है तो आप परमिशन लेके खोल सकते हो, और कुछ एग्रीकल्चर सिस्टम है तो उसको भी स्थापना कर सकते हो परमिशन लेके। ये सारी चीज़ें एक्टिविटी कर सकते हो ये परमिशन लेके। फिर परमिटेड क्या क्या है, इनमें परमिशन की भी आवश्यकता नहीं है, तो आप वाटर रेन है उसको हार्वेस्ट कर सकते हो, और भी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं वो परमिशन से आप इन एरिया के आसपास कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल के। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको आप अटेंड जरूर करना, ये यूपीएससी ने पूछा था, इसको देख लेना। ये सारी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है या ऑलरेडी पूछ चुकी है इसके बारे में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो सी विजिल एक्सरसाइज के बारे में, ये कौन कंडक्ट करवाए, इंडियन नेवी के द्वारा सी विजिल एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई है, इसलिए ये न्यूज़ में। सी विजिल एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो ये राष्ट्रीय स्तर की तटीय रक्षा अभ्यास है, मतलब जो कोस्ट है उसकी रक्षा करने के लिए अभ्यास है। ये 2018 में स्टार्ट किया गया था, और इसका जो एम है वो समुद्र की रक्षा करना, ये इसका एम है। इसका उद्देश्य पूरी भारत की जो तट रक्षा है उसको सुरक्षा प्रदान करना, और उसके लिए एक रक्षा के तंत्र आकलन करने का इसका काम है। अब इसके बारे में बात करें तो कौन कौन शामिल होता है, इंडियन नौसेना और भारतीय तटरक्षा बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड है, ये दोनों मिलकर इससे पूरा करते हैं, मतलब इस अभ्यास को पूरा करने का काम करते हैं, इस अभ्यास को कंडक्ट करते हैं। कौन कौन, इंडियन नौसेना मतलब इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड, ये दोनों मिलकर इसे कंडक्ट करते हैं। और ये दोनों है ना, पहले ये तो छोटा जो हम बात कर रहे हैं ना सी विजिल, ये छोटा रूप है। इसका बड़ा रूप है वो है ट्रोपेक्स। ट्रोपेक्स का फुल फॉर्म क्या है, थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज, ये ट्रोपेक्स है, ये इसका बड़ा रूप है। ट्रोपेक्स 2 सालों में होती है, और ये सी विजिल है वो हर साल होती है, ये फ़र्क है। ट्रोपेक्स बड़े लेवल पे है और सी विजिल है ये छोटा रूप है। ये जो सी विजिल है ये भारत का जो टोटल समुद्री एरिया है, क्षेत्र है, कितना है, सीमा भारत के समुद्र से कितनी लगती है, 7516 किलोमीटर, उस पूरे की निगरानी रखने का काम करती है, और इसमें इको सेंसिटिव जोन है वो भी शामिल है। ठीक है, आर्थिक इस जो है ना अपने EEZ है वो भी शामिल है। सी विजिल और जो ट्रोपेक्स है पूरी जो समुद्री चैलेंज है, जो भी हमारे सी में चैलेंज देखने को मिलते हैं वो सब पूरे करने का काम करते हैं, वो सी विजिल और ट्रोपेक्स देखने को करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में समझ में आ गया होगा, ये इसके बारे में क्वेश्चन है। नेक्स्ट आर्टिकल है विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट के बारे में, इसमें क्या पॉइंट याद रखना है, इसी विश्व ऊर्जा रिपोर्ट ये रिलीज कौन करता है, विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, विश्व वर्ल्ड ऊर्जा का एनर्जी एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, बस इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वो बड़ी बड़ी रिपोर्ट हो उसके बाद डिटेल से पूछता है, ऐसी छोटी मोटी हज़ारों रिपोर्ट आएगी आपको सारी याद रहेगी नहीं, तो सिंपल आपको पॉइंट याद रखना है विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो इंटरनेशनल एनर्जी, ठीक है, और एजेंसी द्वारा इसे जारी किया जाता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा इसे जारी किया जाता है। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट 2024 किसने जारी की थी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी की गई थी। नेक्स्ट आर्टिकल ऑपरेशन सागर मंथन के बारे में, ऑपरेशन सागर मंथन क्या है, ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का एक ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन के तहत क्या होता है, इस ऑपरेशन के तहत जो भी ड्रग्स वगैरह होते हैं उन्हें रोकने का काम किया जाता है। तो अभी क्यों न्यूज़ में है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने NCB ने इस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन सागर मंथन के तहत 700 किलोग्राम है वो मेथामफेटामाइन जब्त किया। मेथामफेटामाइन क्या होता है, मेथामफेटामाइन एक एक्टिव ड्रग्स है, यानी मेथामफेटामाइन है वो ड्रग्स है जो हमारे न्यूरो सिस्टम को प्रभावित करता है, इसे अभी जब्त कर लिया, इसलिए सुर्खियों में। ऑपरेशन सागर मंथन के बारे में बात करें तो ये NCB भारतीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, भारतीय नौसेना है, तटरक्षा बल है, इनके सहयोग से शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या है, ड्रग्स को रोकना है, हमारे सुरक्षा करना है समुद्र की, और भारत को 2047 तक ड्रग्स मुक्त करने का इनका जो टारगेट है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है एवियन बुटोलिज्म के बारे में, एवियन बुटोलिज्म क्या है, एवियन बुटोलिज्म एक बीमारी है, इस बीमारी के कारण अभी राजस्थान में है वो कुछ बर्ड्स वगैरह मर गए हैं, इसलिए सुर्खियों में आया गया है। बात करें एवियन बुटोलिज्म के बारे में तो ये गंभीर न्यूरोमस्कुलर बीमारी है, किसके कारण होती है, ये बैक्टीरिया जिसका नाम है कॉल्सेड्रियम बोटुमिनियम, इसके टॉक्सिन के कारण होती है, और इससे क्या क्या होता है, इस तापमान, जल का तापमान अधिक होने से हो सकती है, ऑक्सीजन रहित वातावरण से हो सकती है, और बैक्टीरिया के आप टच में आओगे तो हो सकता है, अगर मछली या सिखाओगे पक्षी ये उनके सेवन करोगे तो वहाँ पर आपको एवियन बुटोलिज्म हो सकता है। ठीक है, ये इंसानों को भी हो सकता है, जानवरों को भी हो सकता है, तो एवियन बुटोलिज्म क्या है, एक बीमारी है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में,
क्यों न्यूज में यहां पर केट स्नेक देखने को मिला है। केट स्नेक क्या है? केट स्नेक बोई का ट्राइगोनाटा के किस्ते के वो एक प्रकार का बोई का ट्राइगोनाटा भी इसे कहा जाता है। ये एक सांप की प्रजाति है, स्नेक की स्पीसीज है, यानी कि सांप की प्रजाति है। ये कम विषैला होता है और ये रेयर देखने को मिलता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में बात करी, बिहार में है ये, भारत का 18वां टाइगर रिजर्व है और बिहार का ओनली एकमात्र टाइगर रिजर्व है। स्थापना कब हुई थी? 1976 में इसे घोषित किया था और 1990 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। कहाँ देखने को मिलता है? हिमालय के तराइन जो वन है वहाँ पर लास्ट पूर्वी सीमा पर देखने को मिलता है। कौन कौन सी रिवर यहाँ पर बहती है? वह गंडक है, पंडई है, मंडोर है, अरहा है, मसान है, भापसा है, ये रिवर यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये रिवर भी आप याद रखना। जीव के बारे में, तो ये कॉमन जीव है, बाघ तेंदुआ जो भी है वो कॉमन जीव देखने को मिलते हैं और कॉमन यहाँ पे वनस्पति देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है कोदो मिलेट के बारे में। अभी इस मिलेट के कारण कुछ हाथी मर गए हैं, तो कोदो मिलेट के बारे में बात करी तो ये एक बाजरे का प्रकार है जिसे कोदरा वर्गु भी कहा जाता है। कोदरा वर्गु भी कहा जाता है। ये आदिवासी समुदायों में काफ़ी फेमस है, मध्य प्रदेश में ये देखने को मिलती है। इसमें काफ़ी गुण होते हैं, जैसे इसमें फाइबर होते हैं, आयरन होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं। ये अस्थमा है, माइग्रेन है, ब्लड प्रेशर है, इसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। ये महिलाओं के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। कैसे इन्वायरमेंट में ये होती है? इन्वायरमेंट होता है सूखा हो, जहाँ उच्च उपज हो वहाँ पर ये देखने को मिलती है। जहाँ पर गर्म जलवायु हो, शुष्क जलवायु हो, वहाँ पर ये खेती देखने को मिलती है। अगर ये तुरंत काटने के बाद आप खाओगे तो बीमार भी पड़ सकते हो। तो कोदो मिलेट के बारे में ये आर्टिकल था। नेक्स्ट है चाबहार बंदरगाह के बारे में। न्यूज़ देखो इंपॉर्टेंट है ना, बात करते हैं चाबहार बंदरगाह के बारे में। तो ये ईरान है ना, ईरान के यहाँ पर है, जो ओमान की खाड़ी वहाँ पर बना हुआ है। ये चाबहार जो बंदरगाह है ये दो बंदरगाहों से मिलकर बना है। एक का नाम है शाहिद बेहस्ती, दूसरा शाहिद कलंत्री। यहाँ शाहिद बेहस्ती, शाहिद कलंत्री, इन दोनों को मिलकर बना है चाबहार बंदरगाह। तो इनके बारे में ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट बात करें तो ये है ना, भारत से होते हुए ईरान होते हुए अफगानिस्तान होकर ये जो बाकी जो यूरोप वगैरह उसको जोड़ने का काम कर सकता है, ठीक है। इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो जाता है। ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उसका हिस्सा है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है चाबहार बंदरगाह, ठीक है जी। नेक्स्ट है भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल है। तो 16 नवंबर को है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीय दिवस है, प्रेस का वो दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में? क्योंकि 16 नवंबर के दिन प्रेस, भारतीय प्रेस परिषद है ना, उसकी स्थापना हुई थी। प्रेस काउंसिल ऑफ जो इंडिया है इसकी स्थापना 16 नवंबर को हुई थी, इसलिए भारतीय जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है वो 16 नवंबर को मनाया जाता है, इसलिए ये सुर्खियों में आ गई थी। प्रेस परिषद के बारे में बात करें तो इंडियन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना पहले हुई थी 1966 में। कौन से एक्ट के तहत हुई थी? 1965 का भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम है उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। बाद में इसको 1975 में हटा दिया गया था, बंद कर दिया गया था। फिर से 1978 में इसे वापस लागू कर दिया गया। इस बाद भी एक अधिनियम बनाया गया, उस अधिनियम के तहत इसे लागू किया था, यानी कि ये एक वैधानिक बोर्ड है जो कि एक्ट के द्वारा बनाया गया था। पहले 1965 में, ठीक है, 1965 के एक्ट के तहत बनाया गया था, बाद में 1978 के एक्ट के तहत इसे बनाया गया था। उद्देश्य क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना और पत्रकारिता के जो स्टैंडर्ड होता है उसे सेट करने का काम करती है। अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त जो जज होता है, जो रिटायर्ड जज है वो इसका अध्यक्ष होता है। 28 और मेंबर भी इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट बात करें सेनाटोरा पौधे के बारे में। सेनाटोरा पौधा क्या है? ये तमिलनाडु में जो मदुराई टाइगर रिजर्व है वहाँ पर इसको हटाया जा रहा है, इसलिए न्यूज़ में। तो सेनाटोरा एक इस प्रकार का पादप है, ये क्या करता है, जो यहाँ के जो नेचुरल जो है यहाँ की स्पीसीज है ना, एंडेमिक स्पीसीज, उनके लिए नुकसानदायक हो रहा है, क्योंकि ये है ना आक्रामक प्रजाति है, बहुत ही जल्दी से विकास कर जाती है, जिससे आसपास की जो भी प्रजाति है वो नुकसान में आ जाती है। ये मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की प्रजाति है, लेकिन अभी भारत में भी देखने को मिल रही है, अभी इसे हटाने का प्रयास किया जा रहा है। आक्रामक प्रजाति क्या होती है? जो आसपास की प्रजाति के लिए नुकसानदायक हो जाती है। तो सेनाटोरा पौधा है वो मूल रूप से अमेरिका का है, ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट बिरसा मुंडा जी के बारे में। अभी 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया था जनजातीय दिवस, ये 150वीं जयंती थी, इसलिए डाक टिकट भी जारी किया गया इस दिन पे। बिरसा मुंडा जी के बारे में बात करें तो 1875 में इनका जन्म हुआ था झारखंड में। इन्हें धरती आबा यानी धरती के पिता के रूप में भी जाना जाता है। ये आदिवासी संस्कृति को इन्होंने पुनर्जीवित किया था। इन्होंने बिरसाई धर्म की स्थापना की थी, इन्हों भगवान भी कहा जाता है बिरसा जी को। और साथ ही साथ में इन्होंने शराब छोड़ने के बारे में बात करी थी, ईश्वर की आस्था रखने के बारे में बात करी थी,
ब्रिटिश जो राज था उनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई भी लड़ी थी। इनके खिलाफ पुलगुलान जो विद्रोह था उनको इनका लीडरशिप यही इन्होंने किया था, बिरसा मुंडा जी ने। तो ये बिरसा मुंडा जी के बारे में कुछ आर्टिकल था। नेक्स्ट बात करें ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स के बारे में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स ये इंडिकेटर है, इंडेक्स नहीं है। देखो अलग अलग दो रिपोर्ट आएगी, एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर आएगी, एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। इंडेक्स अलग है, इंडिकेटर अलग है। इंडेक्स को कौन जारी करता है और इंडिकेटर को कौन जारी करता है, इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको फर्क होना चाहिए। तो अभी ये जारी की गई है, इसको जारी किसने किया है पहला पॉइंट तो ये देख लो। उसके बाद में इसके बारे में क्या देखना है, इसके बारे में देखना है कि इसमें क्या क्या बातें करी हैं। तो इसे जारी की गई है विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। उनसे इंडिकेटर वाली रिपोर्ट है वो विपो द्वारा जारी की गई है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर जो रिपोर्ट है वो विपो के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई है। ये पॉइंट याद हो जाएगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर किसके द्वारा जारी की गई है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वीपी है वो विपो के द्वारा जारी की गई है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं ये दूसरी वाली के बारे में, लेकिन इससे पहले बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है। तो ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स में कुछ बातों का जिक्र किया गया, मुख्य रूप से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट इसमें बात करी गई है भारत की है जो पेटेंट फाइलिंग है उसमें नंबर बढ़ गए हैं। तो भारत है वो टॉप 10 10 में शामिल हो गया। तो इसमें अलग अलग बातें की गई है कि पेटेंट फाइलिंग में कौन सा रैंक आया भारत का, फिर अलग अलग चीज़ें हैं वो बात करेंगे। तो वो सारी चीज़ें नहीं देखेंगे, बस बात कर लेंगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स किसके द्वारा जारी की गई थी, तो विपो द्वारा जारी की गई थी। ये देखो अलग अलग चीज़ें दे रखी है, पेटेंट फाइलिंग में कौन सा नंबर है, ठीक है, आवेदन करने में कौन सा नंबर है, एक दशक नहीं, ये अलग अलग चीज़ें दे रखी। इतना डिटेल में आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। विपो के बारे में बात कर लो, विपो ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी, यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशल एजेंसी है, पहला पॉइंट याद रखना। यूएन की स्पेशल एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष विशेष एजेंसी है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। काम कर क्या करती है, बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपदा मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मैनेज करने का काम करती है, उसकी रक्षा करने का काम करती है। स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी 1967, 1967 में स्थापना हुई थी और 1970 से इसने काम चालू किया था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और भी कहीं जगह ये इसके कार्यालय है, ठीक है। कितने देश मेंबर है इसके, 193 देश मेंबर है। फिलीपींस 3 है वो पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर का स्टेटस उसको प्राप्त है। कार्य क्या करती है, मेजबानी करने का काम करती है, इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होती है उसे संरक्षित करने का काम करती है, पंजीकृत करने का काम करती है, रजिस्टर करने का काम करती है, सीमा पार जो आईपी के विवाद होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के विवाद होते हैं उसे सुलझाने का काम करती है, डेटा बस तैयार करने का काम है वो इनके द्वारा किया जाता है। तो ये WPO और विपो के बारे में कुछ चीज़ें थी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे, हमने देख लिया इंडिकेटर के बारे में बात कर लिए, अब वो था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर था, अब ये है इंटरनेशनल, वर्ल्ड की जगह यहाँ पे आ गया इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इंडेक्स IIPI, और वो था VIPI, VP और IIPI, इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है और वहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर था, यहाँ वर्ल्ड था और यहाँ पे इंटरनेशनल है, ये दोनों फर्क है इसमें। अब उसे कौन जारी कर रहा था, इसे वीपी को कर रहा था, वीपी को विपो कर रहा था। IIPI को, IIPI को कौन कर रहा है, IIPI को किया जा रहा है, यूएन की है ना इनोवेशन सेंटर GIPI के द्वारा इसे लॉन्च किया जा रहा है। कौन इसे लॉन्च करने का काम कर रहा है, तो यूएस की चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर है, उसके द्वारा इसे हर वर्ष जारी किया जाता है। 2012 में ये शुरू हुआ था, अभी इसके अलग अलग संस्करण आ चुके हैं, इसमें 50 इंडिकेटर को शामिल किया जाता है। इंडिकेटर क्या क्या होते हैं, जैसे कि पेटेंट को शामिल किया जाता है, कॉपीराइट को शामिल किया जाता है, ट्रेडमार्क है, डिज़ाइन है, व्यापार है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती है। क्या ये पे आपको याद रखने हैं, इंडिकेटर देखो बहुत ज़्यादा दे रखे हैं और इतने याद रहेंगे नहीं तो मतलब नहीं है, एक आध क्वेश्चन बनेगा इसके लिए, इतनी थोड़ी जिम्मेदारी करनी है, याद रखो अगर याद रहे तो, बाकी इतने याद रहेंगे नहीं, ठीक है। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में कुछ रिपोर्ट है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो हम दोनों के बारे में देख चुके हैं, दोनों में अंतर भी देख चुके हैं, कौन जारी करता वो भी देख चुके हैं। नेक्स्ट है वो है इसके बारे में, किन के बारे में, ये जो है ना आर्टिकल आया है स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 2024 के बारे में, है ना, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट, जलवायु स्थिति 2024 की रिपोर्ट आई है, इसके बारे में बात करें इसने क्या क्या चीज़ें जिक्र करी है। तो हम बेसिक बेसिक से देख लेके इनमें वही दे रखा है, पहले इन्होंने तापमान के बारे में बात करी, तापमान में वृद्धि हुई है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि हुई है, फिर इन्होंने बात करी महासागर है,
और समुद्र है उनके जल स्तर में वृद्धि हुई है, ये सारी चीज़ें जिक्र करी हुई है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, यही बातें करी इन्होंने। क्रायोस्फीयर है यानी जो कि बर्फ़ जमी हुई बर्फ़ है लंबे समय से ध्रुवों पर वगैरह वो पिघलती जा रही है, ठीक है। वर्षा और जल है, वर्षा में कमी देखने को मिली है, जल संसाधन है वो भी नुकसान में, कई जगह बाढ़ बाढ़ बढ़ती गई है, चरम घटनाएं होती है, हीट वेव है, बाढ़ है, सूखा है, जंगल में आगे ये चीज़ें भी बढ़ गई है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। कहीं देशों ने अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो भी लगा लिए, तो इनकी घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। अब इन्होंने कुछ सुझाव दिया है क्या क्या किए जा सकते हैं, तो जलवायु परिवर्तन संबंध है, हमारा टारगेट 1.5 डिग्री के बीच में रखना, तो इसे जल्दी से पूरा करने की ओर ध्यान देना चाहिए। जलवायु अनुकूल है उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। पूर्व चेतावनी प्रणाली है उनको स्ट्रांथन करने की आवश्यकता है। रिन्यूएबल एनर्जी है उनको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जलवायु सेवाएं उनको मजबूत करने की आवश्यकता है। क्रायोस्फीयर है उनका संरक्षण करने की आवश्यकता है। तो देखो नॉर्मल नॉर्मल से उद्देश्य क्या था इसका, उद्देश्य था तुरंत इनका इंडिकेशन देना और वार्षिक आधार पर रिपोर्ट देता है। शुरुआत कब हुई थी, 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी, IPCC के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। WMO इसको हर वर्ष प्रकाशित करता है, कौन सी रिपोर्ट को करता है, इसे स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 2024, इसे कौन WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वो जारी करता है। तो ये इसके बारे में आर्टिकल था। WMO के बारे में बात करें, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के बारे में बात करें तो ये 192 देश इसमें शामिल है, 192 देश इसमें शामिल है। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर सरकारी संगठन है, 192 देश इसमें शामिल है, भारत इसका मेंबर है, ठीक है। शुरुआत में ये IMO था, चेंज करके इसे WMO बना दिया गया। मेंबर कितने हैं, 192। भारत मेंबर है हाँ, इंटर गवर्नमेंटल है हाँ, पहले 1873 में IMO था, रिसेंट में अभी WMO बन गया। ये कब बना था, 1950 में इसकी शुरुआत हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। ये इतनी सी बात थी। नेक्स्ट आर्टिकल है मंगोलिया के बारे में, मंगोलिया कैपिटल कहाँ है, उड़ानबत्तर, ठीक है, उड़ानबत्तर है। रशिया से बाउंड्री लगती है, चाइना से लगती है, कजाकिस्तान से बाउंड्री लगती है, ये इसके बारे में था। लैंड लॉन्ग कंट्री है, कोई भी इससे जलीय सीमा नहीं लगती है, ये दे रखा मंगोलिया के बारे में। चंगोज खान यहीं से था, उलान बटर कैपिटल है, और ये सारी चीज़ें मंगोलिया के बारे में। विनोद भावे जी के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी के सहयोगी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सुधारक थे, भूदान आंदोलन था उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हें आचार्य शिक्षक के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें रेमन मैगजीन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये विनोद भावे जी के बारे में था। नेक्स्ट आर्टिकल है वो 2016 ये डे है, डे UPSC पूछता नहीं है, ये इंग्लिश डे वगैरह ये UPSC पूछता नहीं है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।